नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। नोएडा में गाड़ी से छापेमारी कर कई पैसे बरामद किए गए हैं। लगातार पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बीच छापेमारी अभियान भी चलाए जा रहे हैं और कई जगह शराब तो कई जगह पैसे बरामद भी किए जा रहे हैं। खबर नोएडा से सामने आई है जहां नोएडा में कार से 25 लाख बरामद किए गए हैं। पंचायत चुनाव में इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सख्ती बरती जा रही है और पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नोएडा पुलिस को सोमवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक कार से चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में आयकर विभाग को सूचना दे दी। वहीं अब इस कैश को लेकर आयकर विभाग की टीम अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे जनपद के सभी थानों में पंचायत चुनाव के दृष्टिगत लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी का परिणाम है कि सभी थाना क्षेत्रों में लगातार अवैध शराब व अन्य वस्तुएं बरामद की जा रही हैं। इसी के क्रम में कल रात्र में कासना पुलिस द्वारा सिरसा कट के पास चेकिंग की जा रही थी कि एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को रोका गया, उसकी सघन तलाशी ली गई तो गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले और उसमें 25 लाख रुपये मिले। जब इसके विषय में इन 4 लोगों से पूछा गया व वैध कागजात मांगा गया तो वो प्रस्तुत नहीं कर सके, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। तत्काल आयकर विभाग को सूचित किया गया, आगे की कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार यह अभियान लगातार पंचायत चुनाव तक जारी रहेगा। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे जनपद के सभी वही पंचायत चुनाव के आगाज के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और इस बीच जन सैलाब उभरा नजर आया। पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन किया जा रहा है और बाराबंकी जिला के ब्लॉक त्रिवेंदीगंज नामांकन करने उमड़ा है जन सैलाब। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी मौजूद रहे और जिला पंचायत सदस्य के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नामांकन किया गया व प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशियां नजर आई। नाम क्या है? त्रिवेदी के कस्बा से। तो किस पद के लिए आपने दाखिला करवाया है? क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो आपको क्या लगता है, आप नामांकन करवा के आए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपको आपकी कितने परसेंट वोट है गांव में है? 1400 टोटल। चलिए ठीक है, उम्मीद पाई जा रही है? पूरी तरह से पाई जा रही है। कोई प्रकार की दिक्कत दाखिला करवाने में कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए ठीक है। आप विकास के लिए आप क्या सोचे हैं? पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बीच तीसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के नामांकन का काम शुरू, प्रत्याशियों की भारी तादाद देखने को मिली। उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन का काम शुरू हुआ है। प्रत्याशियों की भारी तादाद देखने को मिल रही है और नामांकन प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इक्का दुक्का प्रत्याशी ही दिखाई दिए। बाकी सभी प्रत्याशी अपनी खुशी में कोरोना को भूलते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश दे रही है, पर इसके बावजूद भी प्रत्याशी कोविड गाइडलाइंस का पालन न करते नजर आए। प्रत्याशी तो अपने जिले के डीएम और एसपी का नाम भी नहीं बता पाए। कहां से भैया मिलो? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर जी। तो प्रधान प्रत्याशी के लिए आए जी? 10 बजे समथिंग आप यहां आए होंगे? 11 बजे। 11 बजे जी। कैसी क्या सरकार के प्रति जो मंशा के अनुसार जैसी व्यवस्था की गई थी जी, उनके अनुरूप आपको क्या नजर आया? नजर आया कि काम स्लो चल रहा है। काम स्लो चल रहा है, बाकी व्यवस्थाएं ठीक हैं? व्यवस्थाएं ठीक हैं। पानी आने की व्यवस्थाएं सब ठीक हैं? पानी व्यवस्थाएं भी तो मिली नहीं। पानी की व्यवस्थाएं नहीं, नहीं मिली। आप प्रधान प्रत्याशी हैं, जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर उतरे? हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता का हित। जो हमने जो विकास किया है जी, उस पे जो हम जो है वोट मांग रहे हैं। क्या विकास किया है? कुछ विकास तो मैंने बहुत, जैसे क्या विकास किया है आपने? मैंने शौचालय से लेके और खरंजा आरसीसी इंटरलॉकिंग और लाइट बिजली भी लगवाया है। मतलब आप जो आपने विकास कार्य किए उन्हीं के मुद्दों को
अब उन्हीं का मुद्दे पर दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उस उन्हीं मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शिशिर सिंह, किस पद के लिए आप पर्चा दाखिल करने हैं? हम आए बीडीसी के समर्थक। किस गांव से? पाली। पाली से किस वार्ड से? 48 वार्ड नंबर 48। आप क्या बजे यहाँ आए थे? 10 बजे। 10 बजे आप यहाँ पर आए तो आपको सरकार द्वारा, सरकार की मंशा द्वारा जो भी योजनाएं के द्वारा सारा सिस्टम बनाया गया, आपको कैसा लगा? सिस्टम ठीक है, बस वही एक स्लो काम चल रहा है। कोई कार्यालय मतलब का जितने भी इनके वो हैं, ज़्यादा समय लगा रहे हैं बस आदमी को, बस यही है। सब बहुत समय लगा। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं सिमरा से आया हूँ। किसका नामांकन कराने आए? अपनी वाइफ का। अपनी वाइफ का जी। कब से यहाँ बैठे हैं? जी हमको 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज्यादा। किस पद के लिए आए हैं? बीडीसी। बीडीसी जी। जी मेरा डीएम साहब का नाम तो आपको पता ही होगा, रविंद्र कुमार। एसपी साहब का नाम? उनका भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। क्योंकि हमारा कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि उनको इनकी जरूरत पड़े। देखिए भाई साहब, व्यक्तित्व तो किसी का नहीं होता है, लेकिन हमें हर वो जानकारी रखनी चाहिए जिससे हम जनता की सेवा कर सके। अगर आप जनता की सेवा के लिए धरातल पे आए हैं। निकेश कुमार द्विवेदी है। आप किस पद के लिए पर्चा दाखिल करने आए? बीडीसी के लिए। बीडीसी के लिए? किस ग्राम सभा से? जैतेपुर ग्राम सभा से। जैतेपुर ग्राम सभा से। आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरना चाहते हैं? गाँव का विकास करने के लिए। मतलब किस प्रकार के गांव के विकास करेंगे? कुछ मतलब नाली सड़क। आज हम जनपद उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक में खड़े हैं, जहां पर सरकार द्वारा बनाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से अपने कहूंगा कि आप दिखाइए कि किस तरीके कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई उसका किसी भी तरीके से कोई पालन नहीं हो पा रहा है। आज हम जनपद उन्नाव गांव की सरकार में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबीसी स्टार न्यूज़ के साथ।